सो विनीत, वेलकम टू मूवी टॉकीज। गोल्ड में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस के बारे में क्या क्या रिस्पांस है और कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, पहले आपकी बधाइयों के लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फिल्म को भी, और जो किरदार है मेरा इम्तियाज शाह, तो अच्छा लगता है। एज एन एक्टर ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपने जो कोशिश की वो कोशिश कहीं ना कहीं लोग नोटिस कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। कहीं ऐसा डर लगा था कि मल्टी स्टारर में अपनी आइडेंटिटी कहीं ये ना हो जाए, किस प्रकार का आउटलुक रहा आपका? नहीं, बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता, और क्योंकि कोई भी एक नई फिल्म है तो उसमें बहुत सारे नए लोग मिलते हैं, नई टीम होती है, नया अप्रोच होता है। ये चीज़ एक्टर को कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा मजबूत बनाती है, आप ग्रो करते हैं। अब ये फिल्म में किरदार इतने अच्छे से लिखा हुआ है इम्तियाज़ शाह का, स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से लिखी थी रीमा ने, और जो किरदार है इम्तियाज़ शाह का, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया था कि एक ऐसा किरदार जिसकी जर्नी इतनी कमाल की है, 1936 में जब गोल्ड मेडल इंडिया जीतती है तो वो ब्रिटिश इंडिया की टीम थी, और जब गोल्ड मेडल के बाद जो झंडा लहराया था वो इंग्लैंड का झंडा था, वहाँ का नेशनल एंथम गाया गया था, तो वो तकलीफ़ गुलामी की जिसकी वजह से इनकी आंखों से आंसू निकले थे, और वो सपना देखा था कि हम लोग अपने देश के लिए गोल्ड जीतेंगे और हमारा तिरंगा लहराएगा, ये सपना इस किरदार ने देखा था, मिल के देखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ओलंपिक नहीं हुआ, उसके बाद का भी ओलंपिक नहीं हुआ, और फिर जब 48 का ओलंपिक होने वाला था, फिर से जब टीम बनी, उस टीम का ये किरदार कप्तान बनता है इम्तियाज़ शाह, पूरी टीम खड़ी होती है, टीम फाइनल हो जाती है, सारे प्लेयर्स तैयार हैं, सब कुछ हो चुका है, और उसके पहले पार्टीशन होता है, इस कैरेक्टर के ऊपर अटैक होता है, इसका घर जला दिया जाता है, और ये एक ऐसा इंसान जिसकी पीड़ा ऐसी है कि वो अपनों से दूर जाता है, अपनी टीम से दूर जाता है, टीम टूट जाती है, देश टूट जाता है, जिसने देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज से लड़ाई लड़ी है अंग्रेज़ों के खिलाफ, सब कुछ छोड़ करके जाना, वो तकलीफ़ कहीं ना कहीं इस किरदार को बहुत खूबसूरत बनाती है, क्योंकि वहाँ जाके उसे भी एक नई टीम तैयार करनी है, और जब भी वो प्रैक्टिस करता होगा वो मिस करता होगा उन लोगों को जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले एक था, तो आधी टीम यहाँ है, आधी टीम वहाँ है, हर रोज़ ये जब ये लेफ्ट इन खेलता था तो सेंटर फॉरवर्ड, राइट इन, वो सब मिस करता है, हिम्मत को मिस करता है, जिन लोगों को इसने तैयार किया था कि हम लंदन में जाके हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे वहाँ के आसमान में, वहाँ के किंग के सामने, आज टीम ही बट गई है, वो जो पीड़ा है वो इस किरदार को बहुत खूबसूरत बनाता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये किरदार ऐसी जगह से बिलोंग करता है, मैंने उस एरिया का कोई भी कैरेक्टर इसके पहले नहीं किया, चाहे मुक्काबाज हो, बॉम्बे टॉकीज हो, गैंग्स ऑफ वासीपुर हो, ये एक मौका था, तो इसलिए वो जो एक लिंगो है जिस तरह से ये किरदार बात करता है, आई एम रियली हैप्पी कि जब लोगों ने फिल्म देखी इस चीज़ को नोटिस किया और ये बोला कि विनीत जो भी पहले किया है तुमने, किसी भी किरदार की झलक इसमें कहीं से नहीं दिखती, ना ही इसमें विनीत दिखता है, तो अच्छा लगता है कि जो कोशिश की। जो ये इम्तियाज़ ये कैरेक्टर है वो डिस्पाइट ऑल द ट्रेजिक थिंग्स दैट हैपन टू हिम, ही इज़ अ वेरी डिग्निफाइड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट था आपके लिए, क्योंकि कैरेक्टर बहुत ऐसा कम दिखाई देता है कि इवन व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग उस पे सडन डिग्निटी है अभी तक, ही हैज़न्ट लॉस्ट इट, तो कोई रेफरेंस पॉइंट था आपके लिए? हाँ, रीमा ने एक्चुअली बहुत सारी रिसर्च की थी और बहुत सारी चीज़ें बताई थी, तो वो रिसर्च मेरे काम आई, क्योंकि वो जब इकट्ठी हो गई मेरे पास, फिर मैंने वो कैरेक्टर की छोटी छोटी चीज़ें डेवलप करनी शुरू की कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा सोचता होगा, इसे इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, इसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इसकी देशभक्ति, ये मुल्क के लिए जीता है, ये देश के लिए जीता है, इसका खेलना भी देश के लिए है, तो ये जो एक दिल होता है ऐसे इंसान का, और जो कमांड करता है, जो लीड करता है, जो कैप्टन है, कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी एक आम आदमी से कुछ अलग होती है, तो वो सारी चीज़ें जो नोट्स मेरी थी उसमें मैंने वो पॉइंट्स लिखे थे, और फिर इसे किस तरीके से करना है उस प्रोसेस में, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर, को एक्टर, सब लोग हेल्प करते हैं। तो देखा जाए तो गोल्ड आपकी पहली ऐसी एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल मल्टी स्टार फिल्म कहा जा सकता है,
तो डिड योर अप्रोच चेंज व्हाइल डूइंग दिस फिल्म एज अपोज्ड टू व्हेन यू वर डूइंग अ मुक्काबाज और अ गैंग्स ऑफ वासेपुर, कुछ एक अप्रोच नहीं? अप्रोच बिल्कुल चेंज नहीं होती. देखिए सोल सोल होती है, बॉडी चाहे कोई हो, तो वो अप्रोच वही होती है. एज एन एक्टर मैं कैरेक्टर को अप्रोच करता हूँ और उसकी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढता हूँ, उसकी बैक स्टोरी मैं लिखता हूँ. और मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी अपब्रिंगिंग है, तो उस किरदार की अपब्रिंगिंग क्या रही होगी, वो स्क्रिप्ट में नहीं होता. तो वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करता हूँ और एक लाइन बनाता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, तो चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाती हैं. अप्रोच वही रहती है, बस होता यह है कैनवास बड़ा होता है. अब मुक्काबाज जिन परिस्थितियों में शूट हुई है, जिस स्केल पे शूट हुई है, जितने मतलब बहुत कम दिन में फिल्म की है मुक्काबाज, और गोल्ड उसका कैनवास बहुत बड़ा है, सारी चीज़ें से ह्यूज, एक स्टेडियम नहीं कई सारे स्टेडियम. मुक्काबाज में एक रिंग अरेंज करने के लिए फाइट होती थी कि भाई इस पे ही स्टेट भी कर लेते हैं, इस पे ही डिस्ट्रिक्ट भी कर लेते हैं, यहाँ एक दर्जन स्टेडियम है, तो सब कुछ बहुत बड़े स्केल पे है. लेकिन अप्रोच एक ही होती है, ईमानदारी. दैट्स द ऑनेस्टी. आप जब एज एन एक्टर काम करते हैं तो ईमानदारी सबसे ज़रूरी है. तब पहली बार अक्षय के साथ काम किए तो वहाँ पे क्या सीखने मिला और अक्षय सर के बारे में ऐसी कुछ बात आपने ऑब्जर्व की जो आम जनता को शायद पता हो, जानते नहीं हो? हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अक्षय सर को भी बोला कि आप कैसे 24 घंटे आप खुश कैसे रह लेते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव एक दिन में होते हैं, बट मैंने इतने लंबे समय में मैंने उनको कभी नहीं देखा कि उनके चेहरे से खुशी गायब हो जाए. शॉर्ट को छोड़ दिया जाए, पर्सनल लाइफ में कभी भी मैंने उनको नहीं, चाहे कितना भी हो, बारिश हो गई है, बहुत हेक्टिक डे है, बिकॉज जिस समय हम लोग शूट कर रहे थे उस समय उनकी एक फिल्म का प्रमोशन भी चल रहा था, तो इट वॉज़ वेरी हैक्टिक फॉर हिम. और वो हमेशा खुश हंसते रहते थे, काफ़ी प्रैंक्स भी करते थे. हाँ, वो कहीं ना कहीं, और बहुत ही अच्छा माहौल सेट पे होता था कि वक्त अगर मिला तो कुछ गेम खेलते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो सके, और अगर उसके लिए भी जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, बैठे बैठे ही कुछ खेलते हैं. तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता था कि आप किसी अच्छी चीज़ के साथ एंगेज है आपका माइंड, तो वो कहीं ना कहीं हर किसी को एक दूसरे के बहुत पास ले आता है. एंड हिज डिसिप्लिन, ही इज़ सो पंक्चुअल, वेल डिसिप्लिन. उनका मतलब पूरे दिन में वो जो कुछ भी खाते पीते हैं, मतलब वो अपने आप में उस पर रिसर्च की जानी चाहिए. तो कुछ पैसे लगा के हॉकी वॉकी भी खेली जाती है? हाँ, कहीं ना कहीं चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना दे. मैच होते थे प्रॉपर, कि अगर क्रिकेट मैच है तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्राइज मनी होती थी, हॉकी है तो उसमें भी कुछ प्राइज मनी होती थी. इवन अगर कैच कैच भी खेल रहे हैं कि चलो 10 लोग हैं और हमारे पास टाइम है, आधे घंटे या एक घंटे का टाइम है, तो चलो 20-25 मिनट कुछ खेल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं फिजिकली सब लोग इन्वॉल्व रहते थे और इससे एक बॉन्डिंग अच्छी बनती है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं फिल्म को फ़ायदा होता है. सर, आपकी अपकमिंग फिल्म आ रही है आधार करके, उसके बारे में बताइए, क्या है ये एग्जैक्टली? आधार, ये मनीष मुंद्रा सर इसके प्रोड्यूसर हैं, दृश्यम फिल्म्स जो उनकी कंपनी है, और फिल्म के डायरेक्टर हैं सुमन घोष. सुमंदा की ये पहली हिंदी फिल्म है, उन्होंने बंगाली फिल्में बनाई हैं. और आधार, जैसा कि टाइटल है, ये फिल्म आधार कार्ड से जुड़ी हुई है. और अभी हम लोग गए थे रिसर्च के लिए झारखंड, और काफ़ी सारा मटीरियल इकट्ठा किया है, बहुत सारे लोगों से मिले हैं, तो नाउ प्रिपेयरिंग फॉर दैट. लेकिन उसके पहले दो और चीज़ें हैं जो शुरू हो जाएंगी, तो ऑफिशियली एक बार अनाउंसमेंट आए. ओके, और ये आधार जो फिल्म है, व्हाट वाज द रीजन फॉर यू गिविंग योर नॉट टू, इट्स अ पॉलिटिकल सटायर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. हाँ, अभी बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, बट हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है. अच्छा, और पढ़ते ही ये हुआ था कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ. जो आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो इज इट द स्क्रिप्ट, द कैरेक्टर और द टीम बिहाइंड इट दैट प्लेज ऑन योर माइंड कि हाँ इस वजह से मैं करूँगा ये? क्या चीज़? कैरेक्टर, स्क्रिप्ट या जो टीम जो बना रही है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है? नहीं, कहीं ना सारी चीज़ें जो बैलेंस होता है, संतुलन, वो बड़ा ज़रूरी है. तो मैं जो चीज़ें देखता हूँ कि पहले स्क्रिप्ट और हु इज़ गोइंग टू डायरेक्ट इट, एंड मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कि मेरा जो जो कुछ भी मैं प्ले करने वाला हूँ वो कैसे बन पड़ा है कहानी में, किस तरीके से उसका योगदान है, ये तीन चीज़ें देखता हूँ. और हु इज़ प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म, बिकॉज सारी मेहनत करने के बाद
बहुत ज़रूरी है कि वो फिल्म थिएटर में जाए या जहाँ के लिए बनी है वहाँ जाए, तो उसका सारा का सारा भार जो है प्रोड्यूसर के ऊपर होता है। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ मिला के ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हूँ। तो आपने महेश मांजरेकर सर को असिस्ट किया था दो फिल्मों में? नहीं, छः फिल्मों में और एक मराठी फिल्म। हाँ, एक मराठी फिल्म में। तो आप कभी डायरेक्शन का कुछ सोच रहे आगे जाके? नहीं, मुझे पता नहीं अभी तो। बस मेरा कैसा है कि अगले 5-10 कदम जो मुझे समझ आते हैं उनको चलता हूँ, और हमेशा मुझे 10 कदम दिखते रहते हैं तो वो चलता जाता हूँ। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है, और बट ऐसी इच्छा है या दिमाग में? ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं है, ऐसा कभी कुछ मतलब कि नहीं मुझे ये करना। अभी तो मैं खुश हूँ इस चीज़ को लेकर कि बहुत सारी स्क्रिप्ट आ रही हैं, और वो जो भूख है मुझे एज एन एक्टर, मैं चाहता हूँ पहले अलग उस भूख को तो शांत करूँ, बिकॉज वो कहीं ना कहीं अब जाके जो चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे खुशी हो रही है कि ओके अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, बिकॉज जो पहले फिल्में की हैं उसको भी लोग ध्यान में रख के चीज़ें मेरे लिए सोच रहे हैं, तो अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ एज एन एक्टर खूब सारा काम करना। सो वुड यू से दैट गोल्ड हैज चेंज द वे पीपल लुक एट यू? आपकी विजिबिलिटी वाइज ज़्यादा कुछ फ़र्क आया है, जिंदगी बदल गई आपकी गोल्ड के बाद? बहुत, मेरे लिए कहीं ना कहीं हर फिल्म बहुत ज़रूरी रही है, लेकिन जब आप एक बड़ी फिल्म करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उस फिल्म को मिलती है, फिर जब उन्हें आपका काम अच्छा लगता है तो वो आपके बारे में पता करते हैं और आपकी पहले की सारी फिल्में भी देखते हैं, तो मुझे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं अभी। ऐसे वाले मैसेजेस आते हैं, जो फिल्म मैंने 2013 में की थी उसको कल देखा किसी ने, ढूंढ के देखा। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि अब बॉम्बे टॉकीज़ भी देखी जा रही है, अगली भी देखी जा रही है, तो जिनसे छूट गई थी तो उन्हें फिर ये लगता है अरे ये इम्तियाज़ था, वहाँ तो पहचान ही नहीं आ रहा, कुछ और किया। तो ये फायदा होता है जब आप एक बड़ी फिल्म करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर विनीत, थैंक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग। थैंक यू वेरी मच। हाय, मैं हूँ विनीत कुमार सिंह, कैच मी ऑन movietalkies.com।